हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बना रहे हैं एगलेस स्पंज केक, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, साथ ही साथ हेल्दी है, क्योंकि इसे हम बना रहे हैं गेहूं के आटे के साथ। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा स्पंजी है, कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ऐसे स्पंजी टेस्टी हेल्दी केक के लिए मैंने लिया है गेहूं का आटा। जो नॉर्मल हम लोग गेहूं का आटा यूज़ करते हैं, मैंने वही लिया है। और यह है कुछ मेजरिंग कप और स्पून। तो सबसे पहले मैंने लिया एक छन्नी और उसके नीचे रखा एक बाउल। अब मैं इसी मेजरिंग कप से, मतलब एक कप जो मेजरिंग कप होता है उससे मैं दो कप गेहूं का आटा ले रही हूँ। आप चाहो तो मैदा भी यूज़ कर सकते हो, या एक कप गेहूं का आटा एक कप मैदा भी ले सकते हो। और ये है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मैं दो टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। अगर आप एक कप से बना रहे हो, एक कप मेजरिंग से, तो आप एक कप यूज़ करना। उसके अलावा ये है बेकिंग सोडा, ये है एक टीस्पून। उसके बाद नमक 1/4 टीस्पून जितना लेना है, आप 2 पिंच भी डाल सकते हो। अब इसे हमें अच्छे से छानना है, क्योंकि कभी कभी गेहूं के आटे में ज़्यादा चोकर होता है। अभी मैंने इसे छान लिया है। इसी तरीके से हम लोग आटे को और 2 बार छान लेंगे, ताकि इसमें जो भी चोकर हो वो भी निकल जाए और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सारी चीज़ें आपस में अच्छे से आटे के साथ मिक्स हो जाए। अब मैंने इसे और 2 बार छान लिया है। मैं इसको रख रही हूँ साइड में। अब ये है पीसी हुई शक्कर। पीसी हुई शक्कर मैं 1 कप ले रही हूँ। यहाँ पे मैं मेजरिंग कप यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो कटोरी या नॉर्मल कप का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसी कप से 1 कप दूध भी ले रही हूँ, मतलब जिस कप से मैंने आटा लिया था। इसमें 1 टीस्पून मैं एप्पल साइडर विनेगर डाल रही हूँ। आप चाहो तो आधा नींबू भी निचोड़ सकते हो, या नॉर्मल विनेगर भी डाल सकते हो। अब इसको मिक्स करके मैं साइड में रख रही हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप कंडेंस मिल्क। ये होममेड कंडेंस मिल्क है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहो तो मार्केट वाला कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हो। अब सेम उसी कप से मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल 1/2 कप। आप बटर का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं नॉर्मल रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको हैंड विस्कर से अच्छे से फेंट रही हूँ। आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक जो बीटर होता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे अभी बीटर का यूज़ कर रही हूँ। आप दोनों में से किसी एक चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको अच्छे से फेंट रही हूँ। यहाँ पे हमें एक साथ पूरा दूध नहीं डालना है, और विनेगर डालना कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट विनेगर या नींबू डालने से केक एकदम स्पंजी बनता है। अब मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा स्मूथ बना है। हमें ऐसे ही फेंटना है। जितना भी आपको फेंटना है, आटा डालने के पहले फेंट लेना। अभी मैंने टीन को ग्रीस कर लिया था, उसके बाद इसमें थोड़ा सा आटा डाल के मैंने डस्ट कर लिया है। उसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बटर पेपर। बटर पेपर डालना कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गेहूं का आटा। गेहूं का आटा भी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ पूरा नहीं डालना है। यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है और 1 कप दूध लिया था। और दूध की जगह आप चाहो तो पानी का भी यूज़ कर सकते हो। वैसे तो 2 कप आटे के लिए 1 कप दूध परफेक्ट होता है, बट वो डिपेंड करता है आटे के ऊपर भी। कभी कभी 1-2 टीस्पून दूध ज़्यादा भी लग सकता है। तो अब आटा डालने के बाद मैं बाकी बचा दूध भी इसमें डाल रही हूँ। उसके बाद इसको कट एंड फोल्ड मेथड में, एक ही डायरेक्शन में इसको अच्छे से इस तरीके से मिलाते हुए फेंटना है। आटा डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है या बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है। अच्छे से इस तरीके से जैसे ये मिक्स हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ वेनिला एसेंस। एसेंस आप अपने चॉइस से कोई भी फ्लेवर का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि एसेंस इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद इस बैटर को मैं डाल रही हूँ ग्रीस किए हुए बर्तन में। यहाँ पे मैंने केक टिन यूज़ किया। आप चाहो तो स्टील का बर्तन भी यूज़ कर सकते हो, या हीट प्रूफ ग्लास का बर्तन भी यूज़ कर सकते हो। अभी पूरा बैटर डालने के बाद मैं इसको अच्छे से टैप कर लूँगी, ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स है वो निकल जाए। और माइक्रोवेव ओवन को मैंने पहले ही 180 डिग्री पर प्री हीट होने रख दिया था। माइक्रोवेव ओवन हीट हो चुका है। अब मैं माइक्रोवेव ओवन ओपन करके इसमें स्टैंड रखकर इसके ऊपर मैं केक के बैटर वाला बर्तन रख रही हूँ। उसके बाद माइक्रोवेव बंद कर 180 डिग्री पर इसे मैं 30 मिनट के लिए सेट कर रही हूँ। 30 मिनट बाद मैंने चेक किया था, बट केक पूरी तरीके से नहीं बना, तो मैंने और 4 मिनट इसे सेट कर लिया था। तो मेरा केक 34 मिनट में बनके रेडी हो गया है। अब 34 मिनट हो गया है, उसके बाद मैं माइक्रोवेव ओपन कर रही हूँ।
उसके बाद आप इसमें नाइफ़ या टूथपिक डाल के चेक कर लेना। अगर आपका नाइफ क्लीन निकल रहा है तो केक बन गया, अदरवाइज आप इसे और 3-4 मिनट के लिए बेक होने रख देना। अब नाइफ एकदम क्लीन निकला है, मतलब केक बन के रेडी है। इसे मैं ठंडा होने रख दे रही हूँ। आपके ओवन में केक 34 मिनट में भी बन सकता है, या उससे कम टाइम में, या ज़्यादा टाइम में भी। वो डिपेंड करता है आपके ओवन के कैपेसिटी के ऊपर, या केक में जो बैटर है उस क्वांटिटी के ऊपर भी। अब मैं केक निकाल रही हूँ मोल्ड में से, आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से निकल गया है। अब आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, या अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस फ्लेवर में चाहे उस फ्लेवर में आइसिंग करके आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये एक बेसिक स्पंज केक है। अब आप भी ये टेस्टी हेल्दी स्पंज केक ज़रूर बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।